नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जगशीर सिंह, टीम सीएलसी सीकर। हमने इससे पहले दो जेई मेन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के दो स्लॉट सॉल्व किए थे। एक हमने सबसे पहला स्लॉट किया था यूनिडायमेंशन मेजरमेंट और 1D का, दूसरा अपने प्रोजेक्टाइल मोशन का सॉल्व किया था। तीसरा स्लॉट अपने पास है जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। 1920 में जो जेई मेन के अंदर एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं इस पार्ट से। इस पार्ट को हम देखते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है फिजिक्स के लिए, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जेई मेन में अप्रॉक्सीमेट एक क्वेश्चन इस पार्ट से आता ही आता है। ओके, जेई मेन में इसमें काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आता है। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज कैप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। ए फोर्स ऑफ 3 N इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक इज 0.6। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी सच दैट द ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड। देखिए सबसे पहली बात, फ्रिक्शन की जब भी बात आती है तो जिधर मोशन हो या मोशन की टेंडेंसी हो उसके अपोजिट हमेशा फ्रिक्शन रहता है। या मिनिमम फोर्स की बात की है, मिनिमम फोर्स का मतलब है, और दूसरी बात लगते इसने कहा है कि ब्लॉक डज नॉट मूव डाउनवर्ड, इसका मतलब मोशन की टेंडेंसी नीचे की ओर है, तो उस केस में फ्रिक्शन जो होगा इस पर किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहां पर फ्रिक्शन क्या होगा, इस पर फ्रिक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, जब आप मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हैं पी की, तो फ्रिक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बॉडी क्या है, स्टेशनरी है। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो देखिए इस पर क्या लग रहा है, नीचे को 10 g मतलब 100 N लग रहा है। इस डायरेक्शन में इस पर क्या लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है n। ये एंगल 45 है तो ये भी आपके पास 45 होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आएगा, 100 cos 45, राइट, जिसे आप लिख सकते हैं 50√2 लिख सकते हैं। और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा और वो क्या है, 100 sin 45, ये भी आपके पास कितना है, 50√2 हो जाएगा। अब देखिए P जब मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा। अब इसके ऐसे केस में होता क्या है, अब जैसे जैसे P को इंक्रीज करते हैं तो F डिक्रीज होने लगता है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि P की किसी वैल्यू पर F 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। उससे फर्दर और इंक्रीज करोगे तो इसकी जो टेंडेंसी डाउनवर्ड थी मूव करने की, वो टेंडेंसी अपवर्ड हो जाएगी, और उस केस में फ्रिक्शन क्या है, डाउनवर्ड लगने लगेगा। और जैसे जैसे फर्दर और इंक्रीज करते जाएंगे तो उस केस में एफ की वैल्यू डाउनवर्ड बढ़ने लगेगी, और जब पी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो डाउनवर्ड फ्रिक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो दो केस बन जाते हैं, एक तो मिनिमम फोर्स और एक मैक्सिमम। मिनिमम के केस में जब पी मिनिमम है तब अपवर्ड फ्रिक्शन लगेगा जो मैक्सिमम होगा, लिमिटिंग के बराबर होगा। जब पी मैक्सिमम होगा तो ये फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा और मैक्सिमम होगा। इस केस में मिनिमम फोर्स की बात कर रहा है, हम इसे बैलेंस करेंगे। जब आप बैलेंस करोगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास, यहां से आपके पास पी मिनिमम प्लस एफ मैक्सिमम क्या होता है, म्यू एन होता है। म्यू कितना है, 0.6, और एन कितना है आपके पास, 50√2 है, इक्वल टू इधर देखिए 50√2 और प्लस क्या है, 3। ये आपके पास कितना हो गया, 30 हो गया, 30√2 उधर जाएगा, क्या हो गया, 20√2। तो P की मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 20√2 + 3, ये हो गया 20 × 1.414 प्लस 3। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये अप्रॉक्सीमेट 31 point something आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 32 N। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है गौर से पढ़ें। ए मास ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय ए रॉप फ्रॉम द रूफ।
When a horizontal force is applied on the rope at some point, the rope deviated at an angle 45 degree at the roof point. If the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of the force is of the applied force applied is g equal to 10 meter per second. कोई स्ट्रिंग थी, मास था उससे बंधा हुआ, कोई ये इस तरह से था, देखिए इसने किसी पॉइंट पर फोर्स लगाया, मान लो किसी भी, मान लो इस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स से क्या हुआ, स्ट्रिंग इधर को चली और बची हुई स्ट्रिंग का पार्ट नीचे को, ये इसका वेट m रहेगा। उसने कहा है कि ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ये एंगल आपके पास 45 डिग्री, तो ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, 135, ये एंगल क्या है, 90, तो ये एंगल भी क्या हो गया, 135 हो जाएगा। अब इस पर नीचे को क्या लग रहा है, वेट, तो इस पार्ट में जो टेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, वेट के। इधर कोई टेंशन होगी, इधर एफ है, इसका मतलब आप कह सकते हैं एक फोर्स ये रहा टी, एक फोर्स एफ और एक फोर्स नीचे को एम जी। ये एंगल 135, ये एंगल भी 135 और ये एंगल 90। आप यहां से अगर लामीज थ्योरम लगाते हैं तो लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एफ बाय साइन 135, सामने के एंगल का साइन। इसको मैं और अच्छे से बताऊं तो ये क्या है, ये मान लो फोर्स है P, ये मान लो Q और ये मान लीजिए R। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में ये एंगल अल्फा, ये बीटा और ये एंगल गामा हो, तो लामीज थ्योरम क्या कहती है, P बाय साइन अल्फा इक्वल होगा किसके, Q बाय साइन बीटा इक्वल होगा किसके, R बाय साइन गामा। ओके, तो वैसे ही आपके पास यहां पर देखिए तीन फोर्स हैं, तो आप क्या लिखोगे, T बाय साइन 90 इक्वल टू F बाय साइन 135 इक्वल टू Mg बाय साइन 135। इन दो को देखें अगर अपन, तो दोनों में क्योंकि F के सामने का एंगल भी 135 है, Mg के सामने का एंगल भी 135 है, तो आप लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, Mg। तो आपको F पता करना था, जिसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, F इक्वल टू Mg आ जाएगी। मेरी बात क्लियर, वापस क्वेश्चन पर आए तो देखिए आपको, आपको यहां पर क्या दिया है, आपको दिया है कि बॉडी का मास कितना था, 10 केजी था और जी की वैल्यू क्या थी, 10, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, 10 इंटू 10 मतलब 100 न्यूटन हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या है थर्ड वे, ए ब्लॉक केप्ट ऑन ए रफ इनक्लाइंड प्लेन एज शो इन फिगर remains at rest up to a maximum force 2 newton down the inclined plane and the maximum external force up the inclined plane that does not move the block is 10 newton. The coefficient of static friction between the block and the plane is, देखिए आपके पास इस केस में इस इंक्लाइन प्लेन के लिए जिसका एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है इस ब्लॉक पर और एक वो कह रहा है कि ऊपर को लग सकता है। दो अलग अलग कंडीशन है, ऊपर का फोर्स 10 न्यूटन है, नीचे का फोर्स 2 न्यूटन। ओके, इसके अलावा उसने यहां पर आपको कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, जी की वैल्यू उसने आपको 10 दी है। देखिए आई, ये आपके पास दो केस है, सिंगल नहीं है। पहला केस क्या था, ये इंक्लाइन प्लेन पर कोई ब्लॉक रखा है और इसका मास पता नहीं क्या है, मान लीजिए एम है, इसे रेस्ट में रखने के लिए नीचे को मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन लगाया गया है, राइट।
अब नीचे को मैक्सिमम फोर्स 2 न्यूटन है, इसका मतलब बॉडी की मोशन की टेंडेंसी क्या है? नीचे को मैक्सिमम फोर्स लगाया है, टेंडेंसी भी नीचे को थी, यहां फ्रिक्शन क्या होगा? ऊपर को, पर ये फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होगा। मेरी बात क्लियर? इस पर नीचे को mg लग रहा था, ये एंगल आपके पास थीटा था, इसका एक कंपोनेंट इधर आया जो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। ये आपके पास क्या है? n cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा जो क्या है? mg sin थीटा। अब इस केस में आप क्या लिख सकते हो? बैलेंस के केस में 2+mg साइन थीटा इक्वल टू एफ मैक्सिमम जो क्या होता है? म्यू एन होता है, और एन क्या है? एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर? या आप लिख सकते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू 2। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। अब मैं सेकंड केस देखता हूं। सेकंड केस में इसी इंक्लाइंड प्लेन पर सेम ब्लॉक पर इसे रेस्ट में रखने के लिए ऊपर को फोर्स लगाया, और ऊपर को मैक्सिमम फोर्स 10 न्यूटन। मैंने आपको अभी बताया था कि जब रेस्ट की बात है, टेंडेंसी इसकी क्या है? अपवर्ड है, फोर्स ऊपर को मैक्सिमम है। अभी पी वाले केस में बताया था, तो फ्रिक्शन क्या होगा इस केस में? पीछे की ओर होगा, डाउनवर्ड होगा। ये एफ मैक्सिमम है, वही एक एम जी का कंपोनेंट पीछे को होगा, वो क्या है? एम जी साइन थीटा। तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये दोनों इसको बैलेंस करेंगे, कौन कौन? एम जी, कौन कौन ये दोनों? एम जी साइन थीटा प्लस एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम क्या है? म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या है? 10। ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब आपको मूव म्यू फाइंड करना है। म्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एम जी का होना भी जरूरी है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, आपके पास दो इक्वेशन है, तो 1+2 से क्या आएगा? अगर दोनों को ऐड करेंगे, mg sin theta, mg sin theta कैंसिल हो गया, 2mg cos theta इक्वल टू 12 हो, तो म्यू mg cos theta इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि इनका सम 12 होगा। ऐसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 2-1 से क्या आ जाएगा? 2-1 से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। जैसे ही आप 2-1 करते हैं, तो म्यू एम जी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये डबल हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्शन 8 होगा, तो यहां से क्या हो गया? 2mg sin theta इक्वल टू 8। तो आपके पास mg sin theta इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आपको म्यू पता करना है, आप इसे डिवाइड कर दें, तो म्यू एम जी कॉस थीटा बाय म्यू एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या था? 6/4, मतलब 3/2। आपके पास एम जी, एम जी कैंसिल हो जाएगा उस केस में, आपके पास सॉरी दोबारा देखिए इसको, आपके पास क्या था? म्यू एम जी कॉस थीटा बाय एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या था? 6/4, मतलब 3/2। हमने क्या किया? 3 को 4 से डिवाइड कर दिया, mg mg कैंसिल हो गया, तो म्यू cot थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 3/2। तो आपके पास म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? उधर जाएगा, तो 3/2 10/30 आ जाएगी। 10/30 की वैल्यू जब आप रखोगे, तो 1/√3 है, तो 3/2 × 1/√3, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? √3/2 जैसा कोई आंसर आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई?
रूट थ्री बाय टू। हम क्वेश्चन पर आ जाएं अगर दोबारा से, तो देखिए यहाँ से रूट थ्री बाय टू रिजल्ट आया था, तो रूट थ्री बाय टू कौन सा ऑप्शन है आपके पास? फोर्थ ऑप्शन है। आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, आपके पास दो ब्लॉक रखे हैं, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मासेस 1 kg एंड 3 kg आर केप्ट ऑन द टेबल एज शो इन फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ए एंड बी इज 0.2। देखो ये ए है और एक आपके पास बी है, इसे एक टेबल पर रखा गया है। यहां पर फोर्स आपके पास एफ लगाया गया है। ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहां पर, वो आपके पास कितना है? 0.2 है। और बी और टेबल के बीच में भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है? यहां पर भी 0.2 है। आपको बोला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ दैट कैन बी अप्लाइड ऑन बी हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ओवर द बी, दैट इज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी, टेक जी इक्वल टू 10 m/s। देखिए आपके पास ये दो ब्लॉक है, इस तरह से रखे हुए हैं। इनके मासेस की बात करें, ये आपके पास 1 kg है और ये आपके पास 3 kg का है। क्लियर? आपको बोला है उसने कि F की वो मैक्सिमम वैल्यू पता करो जिससे ये स्लाइड ना हो। इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी, देन द फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी विल बी स्टैटिक। और एफ मैक्सिमम हो उस केस में, यहां मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जब एफ मैक्सिमम होगा तो फ्रिक्शन भी क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आप लंबा प्रोसेस से निकाल सकते हो, उससे भी दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, ये पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, उस कॉमन एक्सेलरेशन को कंपेयर कर दीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के साथ। मैं वैसे नहीं निकाल रहा, डायरेक्ट बताऊंगा आपको ए व बी के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, या मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा म्यू एन। एन क्या है? 1 kg के कारण या नॉर्मल लग रहा है, जो क्या होगा? 1 g। तो आपके पास म्यू कितना है? 0.2 इंटू कितना है? 10 इक्वल टू 2 N आ जाएगा। क्लियर? तो अगर मेरे पास ए पर लगने वाला फ्रिक्शन ये मैक्सिमम हो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी है आपके पास? 0.2। तो उस केस में इसका जो एक्सेलरेशन होगा, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा आपके पास 2/1 = 2 m/s². स्टैटिक फ्रिक्शन कब होगा? जब दोनों साथ साथ मूव करेंगे। जब दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं उस केस में मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन क्या है? 2 m/s². अब मैं इस कंप्लीट सिस्टम की बात करूं जिसका टोटल मास क्या है? 4 kg दोनों का। इस पर आगे को फोर्स एफ लग रहा है, पीछे को फ्रिक्शन लग रहा है। यहां का फ्रिक्शन क्या होगा? या 0.2 कांस्टेंट, सॉरी कोफिशिएंट है। नॉर्मल क्या होगी इन दोनों की? 1 और 4 की क्या होगी? 40। तो आपके पास कितना हो गया? 0.2 × 40 = 8 N। इधर को कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता लग गई है कितनी है? 2 m/s². तो F की मैक्सिमम वैल्यू आप पता कर लेंगे। मोशन की इक्वेशन लिखते हैं, 4A maximum = F maximum - F। आपके पास F मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ गई? 4A maximum, A कितना था? 2, तो 4 × 2 = 8 प्लस F कितना था? 8 इक्वल टू कितना आ गया? 16 N आ जाएगा। मेरी बात क्लियर? इसका मतलब आपके पास मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 N। फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज 1 पुश्ड इन द केस ए एंड 2 पुल्ड इन द केस बी बाय ए फोर्स 20 N मेकिंग एन एंगल 30° विद द हॉरिजॉन्टल एज शो इन फिगर।
द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज एंड फ्लोर इज 0.2, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक इन केस बी एंड केस ए विल बी। देखिए आपके पास एक ब्लॉक दिया है, उस पर एक बार क्या है 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है 30 डिग्री एंगल पर। इस केस में आप इसका एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं, इधर को क्या हो गया 20 कॉस थीटा, पीछे को क्या रहेगा इस पर फ्रिक्शन एफ, नीचे की और एक कंपोनेंट है क्या है 20 साइन थीटा, और क्या है इसका वेट mg, अपवर्ड क्या है नॉर्मल n। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब आपके पास नॉर्मल रिएक्शन क्या है mg प्लस 20 साइन थीटा ना, तो फ्रिक्शन क्या हो गया आपके पास म्यू n, आप लिख सकते हैं म्यू mg प्लस 20 म्यू साइन थीटा। तो यहां से इसका एक्सेलरेशन a1 क्या हो गया f माइनस f बाय m। f क्या है फॉरवर्ड, कितना था 20 कॉस थीटा माइनस म्यू, आपके पास क्वेश्चन में कितना दिया है देखिए म्यू की वैल्यू 0.2 दी है, तो 0.2 mg मतलब 50 माइनस 20 इंटू 0.2 साइन थीटा बाय 5 इसका मास है। आपके पास कैंसिल हो जाएगा तो a1 की वैल्यू क्या आई 4 कॉस थीटा माइनस ये कितना आ गया 2 माइनस ये कैंसिल हो गया 0.8 साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन? ऐसे ही मेरे पास दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या है सेम ब्लॉक को क्या है पुल कर रहे हैं 20 न्यूटन, वही सेम एंगल थीटा है, तो इस केस में इसका एक कंपोनेंट 20 कॉस थीटा होगा, अपवर्ड इसका नॉर्मल एन डैश है, इधर को इसका 20 साइन थीटा होगा, और डाउनवर्ड इसका mg होगा, और बैकवर्ड इसका फ्रिक्शन f होगा या f डैश होगा, एक्सेलरेशन a2 है। यहां से मैं a2 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, यहां से a2 को मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, f डैश क्या है म्यू mg, म्यू एन डैश क्या है mg माइनस 20 साइन थीटा। जब मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखता हूं a2 इक्वल टू ये होगा 20 कॉस थीटा माइनस म्यू mg माइनस 20 साइन थीटा बाय m। माइनस क्यों लिया, क्योंकि n डैश प्लस 20 साइन थीटा बैलेंस कर रहे हैं mg को, तो n डैश कम हो गया यहां, तो उस केस में आपके पास a2 की जो वैल्यू आएगी इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या आया 4 cos थीटा माइनस 2 प्लस 0.8 साइन थीटा आ जाएगी। अब क्वेश्चन में उसने डिफरेंस पूछा है, किस किस का डिफरेंस पूछा है a2 और a1 का, तो a2 माइनस a1 क्या हो गया 4 cos थीटा से 4 cos थीटा कैंसिल, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, प्लस 0.8 साइन थीटा और माइनस 0.8 साइन थीटा क्या बन गया 1.6 साइन थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, और साइन 30 1/2 होता है, तो कितना हो गया 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिजल्ट आ जाएगा। ओके, कहने का मतलब इसका आंसर 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मास ऑफ 10 केजी इज सस्पेंडेड बाय रॉप ऑफ लेंथ 4 मीटर फ्रॉम द सीलिंग, ए फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉप such that the top half of the rope makes an angle of 45 degree with the vertical, then the F equals to
टेक जी इक्वल टू 10 मीटर स्क्वेयर एंड द रॉप टू बी मासलेस। वही क्वेश्चन जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि ये एक रॉप है, इसने क्या इससे कोई मास लटकरा था, वही सेम मास है, सेम रिजल्ट है। इसके मिड पॉइंट पर उसने कहा है, मिड पॉइंट से फोर्स लगाया है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। यहां से जब वो फोर्स लगाएगा तो आपके पास ये कहानी होगी, हाफ इस तरह टिल्ड हो जाएगी और हाफ इस तरह से हो जाएगी। ये एंगल उसने 45 डिग्री दे दिया, वही सेम कैलकुलेशन होगी, ये 135 हो जाएगा, ये भी 135 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ये एफ है, इधर एम जी है, तो एम जी मतलब 100 बाय साइन 135, एफ बाय 135, तो एफ इक्वल टू आपके पास डायरेक्ट वही एम जी आ जाएगा। एम आपको 10 दिया है, 10 × 10 100 न्यूटन हो जाए। वो सेम क्वेश्चन है, वैसे उसमें पॉइंट एनीवेयर दे दिया था, यहां पर क्या किया है मिड पॉइंट दे दिया, और कोई फर्क नहीं है इस क्वेश्चन में, सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है। ओके, अपन ने सेकंड क्वेश्चन किया था पीछे, ये क्वेश्चन सेम, सेकंड क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन दोनों सेम है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेवंथ क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ए यूनिफॉर्मली थिक व्हील विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड रेडियस आर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ए मासलेस स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर इट्स रिम एंड टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, m1 इज ग्रेटर देन m2 आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील व्हेन m1 डिसेंड्स बाय ए डिस्टेंस h। ये क्वेश्चन गलती से यहां आ गया है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन रोटेशन मोशन का क्वेश्चन है। हाँ, एक कंसेप्ट है लॉज ऑफ मोशन का भी लग रहा, क्या है देख लो इस क्वेश्चन को। ये आपके पास एक रिम है, इस पर एक स्ट्रिंग है जिसके दूसरे एंड से आपके पास मास m1 है और इधर वाले एंड से आपके पास मास m2 है। वो कह रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, इसकी रेडियस R है। जब ये h हाइट नीचे आएगा तब आपको पता करना है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। देखिए, जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, जब ये इसके साथ रोटेट करेगा, ये मान लीजिए अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो ये तब रोटेट करेगा अगर इस पर टॉर्क इधर वाला ज्यादा होगा इधर वाला कम। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, यहां से क्या था m1g, अपवर्ड फोर्स क्या है, इधर टेंशन t1 और इधर भी टेंशन t1, इधर टेंशन t2 और इधर टेंशन t2 और इधर m2g। अब यहां एक क्वेश्चन उठता है कि दोनों तरफ टेंशन डिफरेंट क्यों है, बिकॉज ये पुली यू रोटेट हो रही है, इधर वाली टेंशन का टॉर्क क्या होगा r क्रॉस f, t1 r ना, और इधर वाले का क्या होगा t2 r। तो अब देखिए, अगर दोनों टेंशन सेम होती तो टी आर नेट टॉर्क क्या हो जाता है, एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड, नेट टॉर्क जीरो हो जाता, मतलब इसकी कोई रोटेशन नहीं होती। लेकिन जब रोटेशन हो रही है तो डेफिनेटली टेंशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। कौन सी टेंशन ज्यादा होगी, जिधर वो रोटेट कर रही है, रोटेट वो इस सेंस में कर रही है, देखिए ये सेंस है उसका रोटेट करने का, ऐसे रोटेट कर रही है, आउटवर्ड है टॉर्क, तो इधर देखिए आर क्रॉस इसका आउटवर्ड आ रहा है और T2 का देखें R क्रॉस T2 इनवर्ड आ रहा है, तो इसका टॉर्क ज्यादा है तो डेफिनेटली आपके पास T1 ग्रेटर देन होगी किससे, T2 से। अब अगर मैं इनकी मोशन की इक्वेशन लिखूं, फर्स्ट मैं ब्लॉक की बात करता हूं, ये नीचे को एक्सेलरेट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू M2 से ज्यादा है, ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा है। मैं इसके लिए मोशन की इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, देखिए m1a इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स क्या है m1g है, और माइनस इसके अपोजिट फोर्स क्या है t1, ये इक्वेशन क्या हुई 1। दूसरे के लिए देखिए m2a इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स क्या है आपके पास t2,
और माइनस एम टू जी। तीसरा इसके लिए देखें, इसका नेट टॉर्क किधर है, देखिए जिधर अल्फा रोटेट हो रहा है, और नेट टॉर्क को क्या लिखते हैं, आई अल्फा। लेकिन गिवन फोर्सेस से क्या होगा, गिवन फोर्सेस से टी वन आर ज्यादा है किससे, टी टू आर से। टी वन आर सेम डायरेक्शन में है जिधर अल्फा था, टी टू आर अपोजिट है। अभी पढ़ा ना अल्फा किधर है, आउटवर्ड, तो टी वन आर टी वन किधर है, आउटवर्ड, और R T2 किधर है, डाउनवर्ड। तो आउटवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिवली। क्लियर। अब आप इन तीनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देते हैं, तो ऐड करते ही तीनों को, R को एक बार इधर ले आओ, थर्ड इसे मत लिखिए, आप एक बार इसे चेंज कर लो। आपको पता है अल्फा क्या होगा, A बाय R होगा ना, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, यहां से देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू आर। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या हुई, इधर वाले आर को भी इधर लाएं, तो ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू टी वन माइनस टी टू, ये इक्वेशन आपके पास थर्ड है। अब अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, देखिए माइनस टी वन प्लस टी वन से कैंसिल हो जाएगी। आप कह सकते हैं ऐड करते ही ये टी वन इस टी वन से कैंसिल हो जाएगी और ये टी टू इस टी टू से कैंसिल हो जाएगा। ओके, उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट मिला, यहां से तो क्या मिला एम वन जी और यहां से माइनस एम टू जी। तो आपके पास ए एम वन प्लस एम टू प्लस I बाय आर स्क्वेयर इक्वल टू एम वन माइनस एम टू इंटू जी। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा एम वन माइनस एम टू जी ओवर एम वन प्लस एम टू प्लस I बाय आर स्क्वेयर। ओके, अब उसने पूछा है कि जब ये h हाइट नीचे आ जाएगा तो उस केस में इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, v ना। अगर इसकी वेलोसिटी v हुई तो इसकी भी v होगी, तो मैं यहां से कह सकता हूं ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाय r। तो v निकालना है पहले अपन को, हमें पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, s डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, तो आपके पास v आ जाएगा 2 ए एच का रूट। और आप ओमेगा क्या लिख सकते हैं, v बाय आर, वो रूट में है तो इसे भी रखेंगे रूट में, तो 2 ए एच बाय आर स्क्वेयर का रूट आ जाए। अब मैं इन सारी वैल्यूज को पुट कर दूंगा, जब मैं सब वैल्यू पुट करता हूं तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा इक्वल टू a की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास आ गया 2 एम वन माइनस एम टू जी एच बाय आर स्क्वेयर एम वन प्लस एम टू प्लस आई बाय आर स्क्वेयर की पावर हाफ, क्योंकि रूट है इसको। इस आर को अंदर लिखेंगे तो एम वन प्लस एम टू आर स्क्वेयर और आर स्क्वेयर से कैंसिल हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू टू एम वन माइनस एम टू जी एच ओवर एम वन प्लस एम टू आर स्क्वेयर प्लस आई, ये आपके पास पावर क्या हो जाएगी, हाफ, ऐसा कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए इसको अगर मैं आंसर में देखें क्या आ रहा है, देखिए आपके पास इसको एक बार सॉरी रफ कर दें अपन, तो देखिए आपके पास इसका रिजल्ट क्या आ गया, सेवंथ क्वेश्चन का हमने क्या रिजल्ट निकाला है, कुछ ये निकाला है।
टू एम वन एम टू माइनस, इसको पूरा ही रब कर देते हैं, ठीक है, टू एम वन माइनस एम टू, ये रहा सॉरी, ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये आपके सेवंथ क्वेश्चन थे। थैंक यू, अपन नेक्स्ट टॉपिक फिर लेकर मिलेंगे। ओके, तब तक आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके, थैंक यू।